trippin', now I'm blue, Mega Man. I can't wait for losing, cause I got too many haters, man. Used to be the Pip Boy, grew up, now I'm Mega Man. Player one, player two, show your ass what players do. Up, down, left, right, hit on with a stronger time. Yeah, I smoke the strongest pack. Tell me what is wrong with that. No coins in the laundromat. You can't. Hey guys, welcome back to my new video and I hope you are all safe and sound during this pandemic. So guys, आज का काफ़ी sunny day है and winters यहाँ पे आ चुके हैं. आपको पता है already winters चल रहे हैं तो काफ़ी foggy होता है बाहर. और मैं recently शिमला की ट्रिप करके आया हूँ. सो जब मैं ये वीडियो डालूँगा बाय दैट टाइम दैट शिमला वीडियो विल बी अप. सो मैं सोच रहा था क्यों ना आज मैं अपने वेस्पा को सर्विस कराने जाऊँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है. एंड दिखाऊंगा आपको सारा प्रोसीजर जो सर्विस स्टेशन में होता है. काफ़ी अच्छी सर्विस होती है. सो चलते हैं. गाइज आ चुके हैं. अभी हम वेस्पा के सर्विस स्टेशन एंड आप देख सकते हैं 20 to 30 सेकेंड्स ही लगे. तो ज़्यादा दूर भी नहीं है मेरे घर से 7-8 किलोमीटर. सो अभी मैंने अपना वेस्पा अंदर खड़ा कर दिया सर्विस स्टेशन में. अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो वेस्पा का शोरूम है कैसा है. ओवरव्यू दिखाते हैं. अभी यहाँ के जो मैनेजर हैं सहज भैया वो अभी लंच पे गए हुए हैं. सो आई विल बी वेटिंग हियर एंड सर्विस में भी थोड़ा टाइम लगेगा तो वेट कर रहे हैं अभी. सो गाइज़ मैं हूँ सहज भैया के साथ. ये यहाँ के मैनेजर हैं एंड अभी ये हमें थोड़ा वेस्पा के बारे में बताने वाले हैं. आप वेस्पा के पास चलते हैं तो मैं इनको गाइड भी कर दूँगा. हाँ फ्रेंड्स, दिस इज़ वेस्पा स्कूटर. पहली बार जो हमारे स्कूटर प्रोडक्शन में लॉन्च किया था तो ये वेस्पा स्कूटर किया उन्होंने. तो ये अच्छी क्वालिटीज़ वाइज अच्छी है. आप देखेंगे फ्रंट से लेके बैक तक सिंगल पूरी स्टील बॉडी है. इसकी स्टील बॉडी है, सिंगल फ्रेम है, सिंगल सस्पेंशन है, आप देख ही सकते हो. सस्पेंशन वाइज जैसे अदर्स टू व्हीलर में या व्हीकल में या एक्टिवा वगैरह में टू सस्पेंशन होते हैं, इसमें सिंगल सस्पेंशन है. दिस इज़ ए एरोप्लेन मोड कॉपी किया हुआ है लाइक एरोडायनेमिक जी जी जो उसमें है, उसमें सिंगल सस्पेंशन आता है. मतलब फर्स्ट टाइम इन्होंने भी कुछ ऐसा ट्राई किया सिंगल सस्पेंशन. आप अप्रिलिया देखोगे आप कई कस्टमर्स की कंप्लेंट होती है कि ये चीज़ नहीं है, हमने पैर रखने में प्रॉब्लम होती है, सामान रखने को. ये कंफर्ट के हिसाब से और स्पेशियस है, अच्छा बूट स्पेस काफ़ी है इसमें. लाइक अभी ये आपको कहाँ आपको ये करता है मतलब हेल्प करता है कि ये कभी हिट होता है फ्रंट से तो ये चीज़ बैंड नहीं होगी. ओके जैसे एक्टिवा वगैरह बैंड हो जाती है ना. हाँ. तो आपकी टांगों को लेग्स को सेफ रखता है ये. तो स्टील फ्रेम का ये फ़ायदा है कि एक्सीडेंट में आपको सेफ रखती है ये. जो इसकी सीट माउंचरिंग है वो जब आप बैठ के हैंडल आप पकड़ते हैं तो उसमें 90 डिग्री का एंगल आता है जिसमें अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, जिसमें कोई बिल्कुल बैक स्ट्रेट रहती है, कोई उसमें बैंडिंग वगैरह नहीं आती, तो पेन नहीं होता। बैक में जो करंट पावर है वो भी 3 वायरिंग में आती है। जैसे आप अदर स्कूटर्स को करते हैं रेस डाउन करते जाते हैं तो उसकी लाइट डाउन हो जाती है, ठीक है, स्लो हो जाती है, मतलब लाइट उसकी बिल्कुल मुजरा जाती है जिसको आप, तो ये लाइट प्रॉपर वर्क करेगी चाहे आप विदाउट स्टार्टिंग भी खड़ा है। अच्छा, उसका लाइट अट्रैक्शन बिल्कुल प्रॉपर ही रहेगा। ये है स्पेयर पार्ट रूम यहाँ का, और अभी हम देखने वाले हैं टायर। वही 110/70/11 110 है भैया। हाँ यार, आपको कौन सा चाहिए था? 120 110 है, काफ़ी है उससे। 90 2068 है ना, 70 तो देखो इसका ये हो गया। हाँ, कि हाइट कितनी है प्रोफाइल ना, ये टायर आगे पीछे दोनों में मिल जाते हैं। नहीं, ये बैक के, फिर बैक के लिए। और जो आगे की मैक्स कितनी होती है वेट? वो वेट उसकी होती है मतलब 100 या 110 जी, जिसको आप वैसे नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं तो 11 का टायर। क्या कह रहे थे? ये आया है ना, इसके अंदर फिल्टर है। हाँ, अब वो बताओ ये लाना है क्या करना है जो इसमें कंप्लीट का नहीं सर, इस पे आप देख रहे हो आप मुझे नहीं। तो गाइस ये है सोहेल खान, ये बहुत तगड़ी सर्विस करते हैं, तो अब ये मेरी सर्विस करने वाले हैं वेस्पा की। मैं कुछ बताओ क्या क्या होता है सर्विस में? सर्विस में भाई एयर फिल्टर साफ होता है। हाँ, एयर फिल्टर साफ करने के बाद हम क्लच खोल के साफ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कार्बोरेटर खोल के उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। सारी चेक करने ब्रेक वगैरह चेक करते हैं, पूरी गाड़ी ओके करके वॉश करके, ओके। उसके बाद गाड़ी चेक करके ट्राई मार के फिर कस्टमर को दिया, सब करते हैं हम सर्विस में। और अभी मैं सीट कवर भी दिलवा रहा हूँ, पीछे का टायर भी चेंज करा रहा हूँ, और बस दैट्स इट। और सर्विस करानी है क्योंकि अभी मैं रिसेंटली शिमला से आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छी माइलेज मिली स्कूटर में। मैंने 650 का पेट्रोल डलाया था और मुझे मेरा जो स्कूटर है 360 किलोमीटर्स चला। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं कैलकुलेट करूँ जो पर किलोमीटर का प्राइस पड़ा 1.8 रुपीज़ में 1 किलोमीटर चला मेरा वेस्पा। आई गेस अगर इंडिया में पेट्रोल सस्ता होता तो शायद 1 रुपये में 1 किलोमीटर चलता वेस्पा। स्टार्ट हो गया प्रोसीजर, पीछे टाइम रैप बनाऊंगा मैं इसका, एंड थोड़ा डिटेल में भी शॉर्ट्स लेते हैं। गाइस अभी सहज भैया हम मुझे लेके जा रहे हैं अप्रीला की टेस्ट ड्राइव पे। 150 सीसी भैया, 125 की। इसमें पता चल रही है हाइट ना, थोड़ी ये हाइट है इसकी, बट ये कम है शायद इसका जो पैस। हाँ, today found a duplicate note 100 rupees which received from Tata Motors. Yes. Now I am giving to Sardar ji, Mr. नहीं, मैं तो ले गया हूँ आगे सर से। Duplicate है ये? कैसे? क्या हुआ? कैसे? Please look in note. Gandhi is missing. This Gandhi note. Is missing. हाँ, Gandhi missing from this note. Okay. नहीं गांधी है तो है। नहीं वो आर पार कह रहे हैं ना लाइट से देख के, उसमें भी होता है गांधी। हाँ हाँ, उसमें भी होता है। सो गाइस सर्विस चल रही है फुल पावर, एंड मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी इंजन ऑयल चल रहा है, कैस्ट्रॉल एक्टिव 20 वाट 40 40। सो गाइस आप देख सकते हैं ये जो नया टायर मैं दिलवाने जाऊँगा तो ये काफ़ी वाइड है, ये 120 मिलीमीटर वाइड है, और जो पुराना वाला टायर था वो था 90 मिलीमीटर। सो काफ़ी लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छा होगा इसमें। यह है MRF का नाइलो ग्रिप। सो गाइज अगर आपको लाइक एक्सक्लूसिव ऑफर्स या फिर डिस्काउंट वगैरह चाहिए हो तो आप सहज भैया से बात कर सकते हैं, या आपको डिस्काउंट वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे पंचकूला के वेस्पा में। सो गाइज अगर मुझे चॉइस दी जाए वेस्पा या अप्रीला तो आई गेस आई विल चूज़ वेस्पा, क्योंकि वेस्पा काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन है इसका, इटालियन है, इटालियन लुक, और मुझे काफ़ी फ़ीचर्स पसंद है इसके, और जो ये इसकी मेनली जो क्लासिक लुक है वो बहुत सही लगती है। अप्रीला अच्छा है, लाइक मॉडर्न डिज़ाइन है, बट आई स्टिल लाइक वेस्पा। देख सकते हैं ये जो अप्रीला आप देख रहे हैं, तो अगर आप यहाँ से लेंगे 125 सीसी है ये, तो 65,000 की दे रहा है ये ऑन रोड। सो ऑफ़र पे मिल रही है बिकॉज़ ये पुरानी मैन्युफैक्चरिंग की अप्रीला है। सो आई थिंक इट्स अ गुड डील इफ़ एनीबडी वांट्स। भाई इतने सारे टूल्स लेके कहाँ जा रहे हो? भाई ये सब एक्शन है जो करे काम। अच्छा, इसका सीट कवर चढ़ाने के लिए इसका लॉक निकालना पड़ता है। लॉक निकल चुका है। ये लॉक सिर्फ इस तार से रुकता है। ये सिर्फ तुझे कोई हैक भी कर सकता है? ठीक है, लॉक को हैक भी कर सकता है? नहीं, ये हैक नहीं हो सकता बिना खुले। ये खुलने के बाद अंदर से होता है। अंदर से होता है। के लगा रहे दूध? नहीं, ये पॉलिश है भाई, इससे तो मैं फिसल जाऊंगा। नहीं, फिसल नहीं पाऊंगा, अलग तरीके का पॉलिश। वो यहाँ तो फॉल्ट है, तार शॉर्ट हो रहा है। इधर सेल्समैन, और ये है नोट छापने वाले नोटों की मशीन। डन। So now guys, I am done with my Vespa service and I hope you like this video, so please do like, comment and don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next one.